कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। 26 जनवरी 15 अगस्त घरों में झंडे तिरंगे दिखाई देते हैं। हर आम आदमी के बच्चे के हाथ में तिरंगा दिखाई देता है, लेकिन उस तिरंगा यात्रा के बाद या 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद उस तिरंगे को फेंक दिया जाता है या इधर उधर रख दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई तिरंगे को हमें बड़े जोश के साथ फहराना चाहिए और सलूट करना चाहिए अपने देश के तिरंगे को, क्योंकि ये हमारी एक पहचान है, ये राष्ट्रीय झंडा है हमारा, हम राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात कई बार ये होती है कि आजकल कोई भी छोटा सा प्रोग्राम हो, हम तिरंगे को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं और खुदा ना खास्ता किसी भी तरह से किसी दूसरे समाज के लोगों से बेअदबी होती है तो दूसरे समाज के लोग जानबूझकर उसके साथ मारपीट करने का काम करते हैं। ये रोज़ाना हम टीवी और चैनल पर देख रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तिरंगे को लहराने का के लिए के विरोध में कोई नहीं है और ना कोई ऐसा व्यक्ति है कि अपने देश के तिरंगे को, अपने देश की शान को गलत तरीके से देखेगा या गलत तरीके से बात करने का काम करेगा। लेकिन हमें इस बात पर सोचना होगा कि जब हम गांव और देहात में थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे या जाटो समाज के लोग थे या और समाज के लोग थे, सब एक जगह इकट्ठा होते थे और तिरंगे को लहराने का काम किया जाता था और साथ साथ लड्डू बांटने का काम किया जाता था, जिससे कि आपस में एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो। लेकिन आज एक समाज के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है और ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होते, प्यार और मोहब्बत से काम होते हैं। दिलों में मोहब्बत तो है, नफरतें पैदा होती चली जा रही हैं, किसी को किसी के नाम पर मारा जा रहा है, किसी को किसी के नाम पर पीटा जा रहा है और देश और प्रदेश की सरकार और वहाँ के प्रशासनिक लोग उन वीडियो को देखकर, उन चैनलों पर देखकर उन लोगों को अरेस्ट करने का काम नहीं करते, उन्हें जेल पहुँचाने का काम नहीं करते, जिससे एक समुदाय के लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, दूसरे समुदाय को मारने और पीटने का काम किया जा रहा है। मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि हम इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, लोग ज़बरदस्ती कहते हैं हिंदुस्तान का हो, लेकिन ये बताइए हिंदुस्तान के कहने ज़बरदस्ती कहलवाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आपके किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट पर हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, हर जगह भारत या इंडिया लिखा हुआ है, तो भारत और इंडिया ही हमारा देश है, ना कि हिंदुस्तान हमारा देश है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता, मोहब्बत प्यार से सब कुछ हो जाएगा। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर देश की आज़ादी की बात करते हो, जलियांवाला बाग की बात करते हो, जब जलियांवाला कांड हुआ था लोग कहते हैं कि वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं था, 70 मुसलमानों की छाती पर गोली लगी थी और जब पूछ अंग्रेज ने कहा कि हमने तो भागते हुए गोली मारी थी, अब्दुल्ला खान साहब ने कहा था कि अगर किसी मुसलमान की छाती पर अगर एक भी गोली लगी होगी तो हम हिंदुस्तान की आज़ादी की बात नहीं करेंगे। और जब उनका दो दिन तक पोस्टमार्टम होता रहा मुसलमान भाइयों का, तो सबों की छाती पर गोली थी, ये गवाह है, इस इतिहास में गवाही है। लेकिन गलत इतिहास को दोहराते हुए, गलत तरीके से बताते हुए लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं साथ साथ मैं आप लोगों को जय भारत कहकर ये बात कहना चाहूँगा कि तिरंगे को लहराओ, लेकिन इसका अपमानित करने का काम ना करें। जय हिंद।